नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो सब? तो आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ बैंगलोर से बिदर। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ मैं आज जाने वाला हूँ। तो यहाँ गुरु नानक देव जी आए थे, तो वहाँ एक गुरुद्वारा है बहुत अच्छा। तो ये वीकेंड है मेरा, जो मैं वहीं स्पेंड करूँगा अपना पूरा, और आपको पूरा दिखाऊँगा आगे का पूरा, कि कैसे मैं जा रहा हूँ और कैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वहाँ की कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, तो सब मैं आपको शो करूँगा। तो मिलते हैं और आगे का पूरा जर्नी आपको दिखाता हूँ। मौसम तो बहुत ही साफ़ है, एकदम से पूरा क्लीन है, बारिश के कोई चांस नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ही साफ़ दिख रहा है, बादल एक भी नहीं है। तो मज़ा आने वाला बहुत ज़्यादा, देखते हैं पूरी जर्नी में बारिश होती है या नहीं होती। चलो, यहाँ से मैं रेपिडो कर रहा हूँ, रेपिडो आ गया मेरा। ये देखो कैसे आ रहा है, होंडा की स्कूटी लेके, और अब चलते हैं बस की तरफ। चलो तो बेस्ट ऑप्शन है कि अभी टू व्हीलर पे जा रहा हूँ, तो बीच बीच में से निकल रहा हूँ। देखो तो बहुत ट्रैफिक आ गया, बहुत ज़्यादा, सब लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, छुट्टी का टाइम है, ट्रैफिक बहुत है। गाइस, यहाँ अब मैं वेट कर रहा हूँ बस के लिए, मुझे रैपिडो वाले ने छोड़ दिया, स्कूटी वाले ने छोड़ दिया, तो अब मैं को यहाँ से बस मिलेगी। ये एक बस स्टैंड है, बस स्टॉप है, बेसिकली बस स्टैंड नहीं है, बस स्टॉप है। और ये सामने मॉल भी है, आप देख सकते हो छोटा सा मॉल भी है। तो मैं वेट कर रहा हूँ बस की, अभी 15-20 मिनट लगेंगे बस को आने के लिए। तो जैसे ही बस आती है तो मैं उसमें चढ़ जाऊँगा और सो जाऊँगा, सुबह उतर जाऊँगा। ऑलमोस्ट यहाँ से 12 घंटे की जर्नी है, तो टाइम लगेगा, तो नाइट जर्नी है। तो गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है, रात को सो के जाएंगे। फाइनली बस आ चुकी है, वेट करने के बाद बहुत, ये बस है, ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटा वेट करनी पड़ी और फाइनली बस आ गई है। तो अभी बस पे चढ़ते हैं और आपको रास्ते की जर्नी दिखाते हैं कि जर्नी कैसी है मेरी, रास्ते की पूरे रास्ता कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, पूरी आपको जर्नी दिखाऊंगा इस बस में बैठ के। चलो, सो गाइस, ये है साई डेलिकेसी, जो है रेस्टोरेंट जहाँ हम रुके हैं खाना खाने के लिए। तो बहुत ही अच्छी जगह है, रॉयल हैदराबादी नॉन वेज रेस्टोरेंट। ओ, ये स्पेशल जगह है नॉन वेज के लिए। आप देख सकते हैं कैसी इन्होंने लाइटनिंग कर रखी है, अच्छी जगह है, खाना बहुत अच्छा है। और ये बस है, अब बस में बैठने वाला हूँ मैं, बस होने वाली है, बस वाले हॉर्न मार रहे हैं। तो चलो ठीक है, मिलते हैं। तो हम अभी हैदराबाद पहुंच चुके हैं और ये अभी सुबह के 5 बजे हैं, और हैदराबाद से ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर है बिदर। तो आप देख सकते हैं ये हम हैदराबाद यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो आपको हैदराबाद की भी जर्नी दिखा सकते हैं यहाँ से, कैसा है हैदराबाद देख सकते हैं। सुबह के 5 बजे और मैं हैदराबाद के बस स्टैंड में आ चुका हूँ। यहाँ से 3 घंटे की जर्नी है अब बिदर के लिए। तो ये हैदराबाद का बस स्टैंड है, सुनने में आया था कि पहले सबसे एशिया का बड़ा बस स्टैंड यही है हैदराबाद का। ये है हैदराबाद की सिटी, आप देख सकते हो कि हैदराबाद की सिटी कैसी है। ये पूरा जो भी रास्ता है ये सारा हैदराबाद का है, यहाँ की मार्केट और बीच में रेजिडेंशियल एरिया भी आ रहा है। तो फिलहाल ये मार्केट आप देख सकते हो अभी बंद है क्योंकि सुबह के 6 बजे हैं,
बट थोड़ी देर में ओपन हो जाएगी, आई थिंक 9 or 10 o'clock, तो ये देख सकते हो आप हैदराबाद को। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अभी बिदर। ये बिदर की रोड है, आप देख सकते हो ये पूरा बिदर है और ये पूरी बिदर की मार्केट है। अभी मैं जा रहा हूं होटल की तरफ और देखूंगा कि कौन सा होटल बेस्ट है यहां, तो फिर होटल लूंगा और उसके बाद होटल में फ्रेश होके उसके बाद मैं गुरुद्वारे जाऊँगा, तो फिर आपको दिखाऊँगा यहाँ बिदर का जो फेमस गुरुद्वारा है वो पूरा दिखाऊंगा आपको। तब तक आप देख सकते हो ये पूरा बिदर का स्ट्रीट लाइफ, बिदर की मार्केट। चलो अभी मैं होटल की तरफ जा रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ आगे होटल। सो गाइस अब होटल पहुँच चुके हैं, होटल फाइनली ले लिया हमने। नाम तो देखना भूल गया बट अभी नाम आपको बताऊंगा। अभी जस्ट रूम पे पहुँचे हैं, तो ये है होटल का रूम, आप देख सकते हो। हेलो गाइस, सो ये रास्ता यहाँ से स्टार्ट होता है गुरु नानक गुरुद्वारा श्री नानक जीरा साहिब बिदर। सो ये रास्ता है, वैसे एरिया आप देखोगे बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल एरिया है और छोटी सी पहाड़ी भी दिख रही है यहाँ पे मुझे एक, ये देखो। और ये रास्ता है, यहाँ सारा ग्रीन एरिया है और ये एंट्री पे लॉयंस भी हैं दो, ये देखो आप। तो बस अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ और वॉकिंग करते जा रहा हूँ, पास में ही है तो ये होटल के पास ही नहीं है बिल्कुल, तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मौसम भी अच्छा है, क्लाउडी नहीं है, पूरी धूप निकल रखी है बट फिर भी अच्छा है। तो ये रास्ता जा रहा है पूरा गुरुद्वारे की तरफ, तो अभी मैं जा रहा हूँ और आपको अंदर जाके दिखाता हूँ गुरुद्वारे का व्यू कि कैसा है। अभी ये आप रास्ता देख सकते हो, रास्ता भी बहुत अच्छा है और बहुत शांति वाला एरिया है, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है और ना ही ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो अब देखते हैं आगे जाके गुरुद्वारे के, बाहर से आपको दिखाता हूँ कि कैसा है गुरुद्वारा और अंदर से कैसा है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मुझे भी आइडिया नहीं है, तो आपको जल्दी दिखाता हूँ। सो गाइस ये एंट्री है गुरुद्वारे की, तुसी देख सकते हो एक गुरुद्वारे की एंट्री से मैं पहुँच गया। रास्ता बहुत ही बढ़िया सीगा, ये गुरुद्वारे की मार्केट है, छोटी जी मार्केट है बहुत अच्छी मार्केट है और बहुत ही शांति है। ये हुन एंट्री तो बहुत ही बढ़िया लग रही, तुसी देख सकते हो, हुन जाके देख दे अंदर ते इतिहास भी तुम दसांगे नाल कि इतिहास है गुरुद्वारे का, ते वो जाके हुन देखते हैं। इतने बहुत घट ही सरदार है बट हैं विरले विरले, जाके देखते हम, आओ चलिए अंदर। गाइस गुरुद्वारे एंटर कर चुके हैं मैं, हाँ देखो तो सरोवर, सरोवर कितना क्लीन है एन बिल्कुल साफ पे है सरोवर भी, बट इतने ये है कि फिशिश नहीं है, नहीं तो सरोवर चे बाकी गुरुद्वारे फिशिज होंगे ना, इतने फिशिज नहीं है बट फिर भी बहुत साफ है। तुम तो गुरुद्वारे का व्यू देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा, पूरे ग्रीन एरिया बनया हुआ, आस पास पूरे पेड़ ही पेड़ है और बिच गुरुद्वारा है, हाँ देखो कितना वधिया लग रहा गुरुद्वारा। ये तुम आस पास का एरिया देख सकते हो, ये पूरा आसपास का एरिया, पूरा ग्रीन एरिया, पेड़ पौधे अच्छे अच्छे फ्लावर्स, बहुत कुछ अच्छा अच्छा लगे हुआ। और मैं बस शूज ला के अंदर जान लगा, फिर तुम अंदर जाके दिखाना, अगर उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी तो तुम जरूर दिखावगा अंदर जाके कि किमें लगता अंदर गुरुद्वारा, बाहरों तो बहुत सोहना लग रहा। चलो मैं अंदर जा रहा तो दिखा।
ਫੋਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਲੀਜ਼ ਸਵਿਚ ਆਫ ਯੂਅਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਫੋਨ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਆਲਮੋਸਟ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਗਾਇਸ ਇਹ ਮੇਨ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੇਨ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਦੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਕੰਨੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਮੇਨ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਰੂਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ 500 ਪਰ ਡੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਿਦਾਊਟ ਏਸੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ 250 rupees ਹੈ ਪਰ ਡੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਦਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੇਅ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕਮਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਸਟੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਰੂਮ।